हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी F34 5G में किस तरह से स्प्लिट स्क्रीन चालू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोज जयसवाल, आप देख रहे हो टेक्निकल RGM। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्प्लिट स्क्रीन यानी कि एक मोबाइल में दो स्क्रीन किस तरह से एक साथ में आप चला सकते हो। सैमसंग गैलेक्सी में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से एक ही मोबाइल में दो स्क्रीन चला सकते हो। तो आपको मिनिमाइज वाला ये 3 डॉट वाला बटन होता है, इसको प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक फाइल को ऐसे प्रेस करके रखना है, फिर ये आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे आ गया। अब इसको अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये आपके स्क्रीन पे आ गया है। और उसके बाद दूसरा, अगर एक और फाइल खोलना चाहते हैं तो इस तरह से फाइल आप कर सकते हैं, और जिससे भी आप बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। एक वो फाइल हो गया और दूसरा ये फाइल देख ही रहे हैं, तो यहाँ से इसमें भी मैसेज कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें भी किसी को आप मैसेज करना चाहते हैं तो इसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। इस तरह से आपके मोबाइल में दो स्क्रीन चलता रहेगा। और दोस्तों, एक ही साथ में चाहते हैं ऊपर नीचे एक एक स्क्रीन दिखाई दे, तो इसके लिए आपको एक बार बैक करना होगा। बैक करने के बाद आपको क्या करना होगा, व्हाट्सअप वाला है इस पर ऐसे प्रेस करके रखना होगा। इस तरह से व्हाट्सअप वाला पे हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये 3 डॉट दिख रहा है साइड में, ये छोटा वाला स्क्रीन में आप देख रहे हैं 3 डॉट। तो 3 डॉट को आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जो पट्टी आ रहा है इस पट्टी से ही आप इधर उधर कर सकते हो, बाकी कहीं से इधर उधर आप नहीं कर सकते हो। अगर आप ये पट्टी रहेगा तो ही कर सकते हो। फिर आपको आ जाना है 3 डॉट पे, और एक और फाइल चलिए हम खोल लेते हैं। एक हमारे मोबाइल में आप देख रहे हैं दो स्क्रीन चालू हो गया है। अब इसको दोनों को ऊपर नीचे करना है तो आपको क्या करना होगा, ब्लू वाला डॉट पे क्लिक करना है, और ब्लू वाला डॉट के बाजू में आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, इस पर सेट करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप क्लिक कर दिए तो देख सकते हैं नीचे मैसेज दिख रहा है और ऊपर ये वाला फोल्डर दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में सेट कर सकते दो स्क्रीन। नीचे इसमें मैसेज कर सकते हो, आपको टेक्स्ट मैसेज में जिसको भी मैसेज करना है यहाँ से मैसेज कर सकते हो, और ऊपर जिसको मैसेज करना है आप कर सकते हो। चलिए मैं दोनों में एक बार हाई लिख के दिखा देता हूँ, और नीचे वाला स्क्रीन में भी यहाँ पे सेट कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।